अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज जो है वो बहुत ही एक फिट दिन है, क्योंकि एक दो तीन महीने के बाद तो ये हमारे भाई जो हैं वो आज निकले हैं बाहर, और हम लोग जा रहे हैं लोक बिरसा मेले पे। सना भाई, आप तो बचपन से जा रहे हैं, लेकिन आपको एक्साइटमेंट है आज भी? नहीं, एक्साइटमेंट नहीं है, वो घर से बाहर निकले शुक्र किया। बारिश का मौसम भी है ऊपर से, फिट मौसम है। हमारे साथ अहमद अली भी आज साथ जाएगा, वकास भाई भी साथ हैं, और अफसार भी साथ, और बाकी भी सना भाई के दोस्त वगैरह होंगे साथ, तो उनको लेते हैं। हमारी गाड़ी भी आ गई, तो उनको लेके बस निकलते हैं ना, बस निकल जल्दी जल्दी निकलते हैं। जहर भाई आ गए हैं, ठीक है जहर भाई, हम भी फाइनली पहुंच गए हैं माशाल्लाह जी। क्या कहेंगे आपके, कैसे इंतजाम? वेलकम जी, वेलकम वेलकम। आपको इंतजाम दिखाते हैं और वेलकम। हमें सबसे ज्यादा खुशी सनाउल्ला की है, माशाल्लाह ये आया है, और इंशाल्लाह एंजॉय करें। फ्री में क्या लोग जो है वो भी एंटर हो गए लोग मेले पे। मैं तो बहुत कोई बचपन में आता था इधर, तभी जहर भाई लोग जो है उनका सारा मैनेजमेंट होती थी। मेरे ख्याल से कोई चोर रास्ते से जा रहे हैं, बस अंदर ही अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या माहौल है, क्योंकि सब पूरे पाकिस्तान का कल्चर वगैरह यहाँ पे आया होता है। अभी हम आ गए हैं और देखते हैं। गौर साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आउट ऑफ रेंज हो गए सर। लव यू, किधर हैं आप? सर जल्दी पहुंचे हैं, अभी रेंज आपकी सही हो गई है, क्योंकि आवाज आपकी क्लियर आ रही है। आज जो है हमें आज ये मिल गए, और वॉकी टॉकी से हमने बहुत शुक्र लगाना है। और भी आगे चले गए हैं, और बस अभी हम भी निकलते हैं, क्योंकि हमने भी जाना है आगे, और जाके देखते हैं कि यार क्या चक्कर है क्या नहीं है, क्योंकि आगे जाएंगे तो काम बनेगा, वरना तो यहाँ पे बैठे बैठे शोल टाइम ही जाया कर देंगे। अब सर भाई नहीं बात है जी, बड़ा मसला हो गया हमें, इंशाल्लाह ना खड़े ना यहाँ पे जो है वो आगे पूरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है, शॉल्स की दुकान है, खाने पीने का सीन वगैरह वगैरह, पूनम हैंडीक्राफ्ट, क्या बात है। चलते हैं यार, बहुत अरसे बाद आए हैं, थोड़ा बचपन की अपनी वाइब्स लेते हैं, डोल डमक्का और सारा कुछ सही ओपी सीन होता है। मैंने वॉकी टॉकी पकड़ा दिया यार, क्या वॉकी टॉकी लोग आगे जाएं, और क्योंकि गौर भाई साथ हैं, मैंने बातचीत करनी होती वाइब्स। क्योंकि मैं और अब सारे काम के लिए चले गए थे गाड़ी में से मोबाइल लेने के लिए, और हमें अपना कार्ड भी मिल गया, तो हम लोग बस यहाँ पे अब घूमेंगे, क्योंकि हम भी अब एक कोऑर्डिनेटर वाली उस पर आ गए। लोग जो हैं वो अपने पंजाब के पवेलियन में आ गए हैं, यहाँ पे जैसे कि पंजाब में वो पढ़ाई वगैरह और सारा कुछ होता है, मालिया सारा कुछ यार, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पूरे पंजाब का जो कल्चर है वो मिल जाता है यहाँ पर, जैसे कि अब ये तो वुडन है, पास वो भी हो सकते हैं वुड के यहाँ पे, और ये शॉल्स वगैरह ज़्यादातर यहाँ पे, क्योंकि सर्दियाँ शॉल्स वगैरह का ज़्यादा सीन है, यहाँ पे भी ज़्यादा वुड का सीन है, कोई मिट्टी वगैरह है नहीं, देखते हैं कि मिट्टी कहीं पे मिल जाए। और आगे तक यहाँ पे जैसे कि अब यहाँ पे जो है लाइव कपड़ा बना रहे हैं, लाइव जो है वो कपड़ा बना रहे हैं, उसका ज़रा सीन देखें पुराने स्टाइल में जैसे बनता था, जैसे पुराने स्टाइल में कपड़ा बना रहे हैं, बन रहे हैं कपड़े जैसे पुराने ज़माने में बनता था। यहाँ पे आगे हमें एक चीज़ मिली है, इनको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में ठप्पे, इसके ऊपर मेहंदी का या कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं, और ये पहले से डिज़ाइन होते हैं, तो ये जो है आराम से हाथ पे पैर पे जहाँ लगाना चाहें। इसके अंदर बहुत डिफरेंट स्टाइल्स के भी हैं जैसे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो है अल्फ़ाबेट्स पढ़े हुए हैं अपने की चेंज बनाने के लिए और वगैरह, और यहाँ पे कपड़े छोटे बच्चों के, कॉल आ रही है और ये सारा कुछ। भाई लोग जो हैं वो बलूचिस्तान के पवेलियन में चले गए थे, खैबर पख्तूनख्वा से शायद वो होके चले गए, हम वापस जाएंगे, और मैं और अब सार क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे, अब जाते हैं बलूचिस्तान के अंदर और देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर, हमें पंजाब को तो अपना पता है लेकिन बलूचिस्तान का देखने क्या सीन है।
आप आते जाएं यहाँ से बलूचिस्तान पवेलियन से तो आपको इनकी रग्स बैग्स लेदर की चीज़ें और सारा कुछ मिलेगा, क्योंकि ये बलूचिस्तान का पवेलियन है। क्योंकि पवेलियन वाइज जो है वो डिवाइडेड है, जो जितने भी पाकिस्तान के सूबे हैं सारों के ऊपर, तो यहाँ पे मुख्तलिफ उनकी जो है वो सारा कल्चर वगैरह सारा जो भी वो कर रहे हैं बना रहे हैं उनका जो भी है। जैसे वो बलूचिस्तान जी, ये तो आज मास्टर आया है ब्रो, आज मास्टर आया है और देखते हैं यार कि बलूचिस्तान जी का क्या सीन है। तो यहाँ पे अपने भाई लोगों को भी ढूंढते हैं कि वो लोग किधर है, बाकी आपको ऐसा ऐसा दिखाएंगे जो हम पंजाब में भी देख के आए हैं ये चीज़। तो अब देखते हैं कि अपने भाई लोग कहाँ पर हैं, उसके बाद इंशाल्लाह टूटते हैं। बॉयज़ के साथ रीग्रुप हो गए हैं और यहाँ पे एक पैलेस्टाइन के लिए भी एक स्पेशल स्टॉल है उनकी डोनेशंस के लिए और उनकी फ़ोटोज़ वगैरह मेरे ख्याल से पत्थरों से बनाई है। तो और क्या नाम है वहाँ पे स्केचिंग का भी मेरे ख्याल से सीन है, स्केच वगैरह कर रहे हैं। ये पैलेस्टाइन के लिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इंशाल्लाह पैलेस्टाइन विल बी फ्री वन डे। बस आगे जाते हैं क्योंकि भाई लोग जो हैं वो फ़ौरन फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि रात को जो नाइट सीनिंग का शुरू होने वाला है शायद आई गेस, उसके अलावा पंजाब का, हाँ तो जो पंजाब का नाइट सीन है उसको हम मिस नहीं कर सकते, इसलिए हम जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह और भी बन रही हैं जो देख के ना बंदा जो है वो कहता है कि यार हाँ जी, लेकिन थोड़ा टाइम शॉर्ट है और यहाँ से मेरे ख्याल से पंजाब कब है पता नहीं किसका, कि हम पंजाब से पहले होके आए हैं, लेकिन ये देखते हैं किसका। और यहाँ पर रश था, इतना यहाँ पे रश है, लगता है कि अंदर जो है ना वो सीन फुल ऑन शुरू हुआ है। तो वो काश भाई देखते हैं अभी अंदर जाके, यहाँ से तो रश लग तो रहा है, पता नहीं जेएलएम का कोई एक्सपोशन वो लिखा हुआ तो है, कोई प्रॉपर बोर्ड नहीं लगा हुआ इस पर। हमारे बॉयज भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास तो कार्ड है, हमें तो इतना रोला है नहीं। सुना भाई क्या सीन है शुगल क्या है, मतलब शुगल देखने आया है जी। सीक्रेट एंट्री से जो है वो हम अंदर जा रहे हैं, सीक्रेट भाई जान क्राउड देख के आगे चला जाओ है ना। वो तो अभी देखें स्टेज पे जाते हैं और जाके देखें स्टेज पे क्या सीन है। भाई हाउसफुल, कहाँ पे तो हाउसफुल है भाई, आया मैं परफॉर्म करने के लिए आई हूँ आंटी हाउसफुल पैसे वसूल। शुगर जितना यहाँ पे लगेगा ना बहुत होगा भाई, और भी आप इतने चार पांच जनों से यहाँ पे कितना क्राउड देखे भाई, तकरीबन सिंध नाइट ऐसी होती है लोग मेला की कि ये हाउसफुल होता है, हाउसफुल पंजाब में भी ऐसे क्राउड नहीं होता हमेशा, सिंधियों की रात पे इतना रश होता है यहाँ पे। अभी नहीं, अभी आधे घंटे बाद देखना ये पैक होगा भाई यार, हम यहाँ पे देख यही बात है, लेकिन जो है ना यार सीन यहाँ पे वो बहुत फिट है। क्यों वही भी टॉप क्लास पहले की चासी अभी आ रही है, एक सिंधी मौजूद है, समझ आ रही है सिंधी गाना नहीं है, ये बलोची गाना है, सिंधी नहीं है फिर ये सिंधी ना है, तो सिंधी नाइट है, तो सिंधी नाइट नाचना है, उसके बाद जाके हमने
कोई है गौर भाई का कोई जानने वाला ही है शायद भाई को ज्यादा ही भूख लगी हुई लगा लेकिन मोबाइल सही चुक रहा है। अजीम ओ शान शहंशाह, अजीम ओ शान शहंशाह, परवारवा सारे ऐसे देखते पता नहीं क्या हो गया। अजीम ओ शान शहंशाह क्या बात है, चोरी करके तू हाथ लगा के दिखा मैं बताता हूँ का माल कैसे करते हैं। गरम लगे हुए गरम है नहीं ठंडी यार गरम आ रहे के पेविलियन में फिर से एंट्री और सब भाई जो हैं वो बस सज्जी का वेट कर रहे हैं जगह मिले और बस सीन शुरू करें। बाकी बहुत मज़ा आ रहा है, सिंधी के अंदर दोबारा जाना है उधर और देखते हैं कि सिंधी वालों ने और कौन सा मॉल बनाया है। ये जो अभी इसमें धुआं निकल रहा है ना आगे और बस जो है ना शुरू करते हैं शुरू करके शक्ल सही ना खुशबूदार होए सारे ट्राई करें मजा ही आ गया। मॉल तो यार ये हमारे पख्तून भाई हमारे सिंधी भाई मॉल तो यार यहाँ पे भी बहुत चंगा है यार मिसारी वो इतना तो मुझे इसका समझ नहीं है लेकिन यार बॉस है आज़ाद कश्मीर पवेलियन और ये जो उनका ट्रेडिशनल कैप्स और ये शॉल्स और सारा कुछ मतलब ज़्यादा जो है वो ट्रेडिशनल सामान ही है पवेलियन में ट्रेडिशनल ही है गाने भी अभी जो है वो ट्रेडिशनल ही चल रहे हैं। तो आज का व्लॉग हुआ हमारे यहाँ पे ख़त्म, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।